अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आशु शबेज़ कैफ़े। तो आज हम कोई कुकिंग शुकिंग टिप शिप नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं आज आपको बहुत ही ज़रूरी जगह पर घुमाने लेकर आई हूँ, जहाँ पे मैंने बहुत इन्जॉय किया और बहुत सी मालूमात जो हैं वो जानी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए इन मालूमात को और आपको भी घुमाया जाए। तो चलें मिलके देखते हैं ये जगह जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ये है जी पावर हाउस, मालाकंड 3 हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स में हम लोग मौजूद हैं। और ये लोकेशन है दरगई, यानी तहसील दरगई है और डिस्ट्रिक्ट मालाकंद खैबर पख्तूनख्वा केपीके पाकिस्तान। तो चलें जी हम अंदर एंटर हो चुके हैं और इन्जॉय करते हैं। अंदर की ये सारी लुक आप देखिएगा जो कि आम तौर पर हमें देखने को नहीं मिलती। तो देखते हैं यहाँ क्या सिस्टम है और ये चीज़ें जो हम लोगों को बहुत आसान लगती हैं, बिजली जो हम लोग को मुहैया हो रही होती है। तो देखते हैं ये जी अंदर कैसे ये सिस्टम है सारा और कैसे हम तक बिजली फ्राहम की जाती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, इतना शोर था कि आवाज़ एक दूसरे से बात करते हुए समझ में नहीं आती, इतना शोर है यहाँ पर। बहुत लाउडली बोलना पड़ता है अगर बात करनी हो तो, फिर हम लोगों को एक दूसरे की बात समझ आ पाती है। और यहाँ पर आने की परमिशन भी अमूमन नहीं मिलती। तो जो यहाँ पर एक हमारे बहुत अजीज़ हैं, उन्होंने हमें ये पावर हाउस जो है वो घुमाया और इसके बारे में बताया। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और इस जगह को विज़िट करके। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो है 81 मेगावाट, यानी टोटल जनरेशन इसकी है बिजली जो कि पैदा हो रही है इससे, ये है जी 81 मेगावाट। और डिज़ाइन डिस्चार्ज इसका है 51 क्यूमिक्स, यानी डिज़ाइन डिस्चार्ज ये है कि जो पानी मशीन में जाकर निकल जाता है और रनर जो है वो उसकी वजह से घूम जाता है। तो इसकी मैं आपको बता रही हूँ ये इंफॉर्मेशन, इसको डिज़ाइन डिस्चार्ज बोला जाता है। तो अब हम मज़ीद नीचे आ चुके हैं और ये आप देख रहे हैं नीचे का सारा सिस्टम यहाँ का। यहाँ की जो नेट हेड है वो 181 मीटर्स है और एस्टिमेटेड कॉस्ट जो इस पे टोटल यानी खर्चा आया था वो 6379.55 मिलियन खर्चा आया था, यानी ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है यहाँ की। तो मुझे ये पावर हाउस का विज़िट जो है वो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया सारा सिस्टम देखकर, मालूमात जानकर बहुत इलम में इजाफ़ा हुआ। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और आपके साथ भी शेयर किया जाए ये अपना विज़िट। तो वीडियो बहुत मेहनत से बनाई मैंने आपके लिए, ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और जनाब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मिलकर हम लोग मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी बनाएं। और जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मालूमात और टिप्स वो भी आप इंजॉय कर सकें और इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर करेंगे। तो मेरे साथ इन टच रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इससे मुझे मिलती है और हिम्मत और करेज नई नई और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलें जी चलते हैं आगे की तरफ, अभी बहुत सारी सैर बाकी है, अभी कहीं मत जाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो टोटल प्रोजेक्ट लेंथ जो है वो 10 किलोमीटर्स है। तो अब हम यहाँ से आते हैं बाहर की तरफ,
ये बाहर से भी बहुत ज़बरदस्त लुक थी, बहुत ज़बरदस्त सीन, बहुत ज़बरदस्त मौसम है यहाँ पे। इस टाइम पर शाम का टाइम है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और मज़ीद आपको मालूमात देती चलूँ इसके बारे में, टनल हैं 5 यानी सुरंग। सुरंग जो हैं वो इसकी लिए 5 हैं जो कि पहाड़ों में हैं, जिसके ज़रिए पावर हाउस को पानी जो है वो मुहैया होता है। और टनल की जो लंबाई है वो है जी 3.33 किलोमीटर्स। तो चलें जी, चलते हैं आगे की जानिब। अभी और भी बहुत कुछ अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा, तो चलें जी देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। जनाब, पावर हाउस का ये ट्रिप जो है बहुत मज़े का रहा, बहुत अच्छा लगा। और ये जो आप इस टाइम लोकेशन देख रहे हैं ये भी बहुत ज़बरदस्त लोकेशन थी, बहुत मज़े की लोकेशन थी। तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये विज़िट कैसा लगा। और दुआओं में रखिएगा याद, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।